फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लेकर आए हैं जो ब्यू झांसी में बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर क्वांटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में जो 2018 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का हल। तो पहला क्वेश्चन आया है 2017 में, वह स्थायी नाभिक ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या ओसियम नाभिक की त्रिज्या की एक तिहाई है। तो हम सबसे पहले तो हमें नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आर जीरो ए वाई थ्री, ये जहां हमने लिख दिया द्रव्यमान संख्या होती है, आर त्रिज्या होती है। तो ओसमियम लिखा था 189 जो ऊपर लिखा है, इसकी द्रव्यमान संख्या ए वन का मान 189 है। हमें नाभिक ज्ञात करना है तो पहले नाभिक की त्रिज्या की कितनी है, एक तिहाई। फॉर्मूला लगा दिया दो नाभिक के लिए आर वन बटे आर टू बराबर ए वन बटे ए टू और ए थ्री। तो आर वन की जगह आर वन, आर टू की जगह मान रख दिया, ए वन का मान 189, ए टू का मान इतना। तो इसे हमने कैलकुलेट किया तो तीन दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो तीन का घन बराबर 189 बटे ए टू, ए टू का मान निकल के आ गया 7। कहने का मतलब जो दूसरा नाभिक है उसकी जो द्रव्यमान संख्या 7 है, तो 7 किसका होता है, लिथियम का। तो हमने लिख दिया लिथियम एल आई। अगर हम इसका परमाणु क्रमांक लिखना चाहें तो 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो 7 एल आई जो नाभिक की त्रिज्या है, जो लिथियम नाभिक की त्रिज्या है वो ओसमी नाभिक की त्रिज्या की कितनी है, एक तिहाई। तो हमें यही निकालना था ए टू का मान, तो हमारा ए टू का मान 7 निकल गया, 7 किसका होता है, लिथियम का। हमने इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हल किया। दूसरी को आप देखेंगे लिखा है एक इलेक्ट्रॉन 5.9×10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य क्या होगी। तो हमें सबसे पहले तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला आना चाहिए। डी ब्रॉग्ली की जो तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होती है, वेग दिया है तो पी बराबर संवेग बराबर क्या होता है, एम इंटू बी। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे तो सफिक्स में ए लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का वेग दिया था 5.9×10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और हम एच प्लैंक नियतांक होता है, एच का मान हम लिख चुके हैं 6.6×10⁴ जूल इंटू सेकंड होता है। और एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, हमने मान लिख दिया एम ई का मान 9.1×10⁻³ किलोग्राम। बस वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, एच का मान रख दिया है और इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया है, उसकी वेलोसिटी रख दी, ऐसे कैलकुलेट किया तो इतना आएगा 5.1229×10⁻¹⁹ मीटर। हमें से एक अंक पिछेला और 10⁻¹⁰ मीटर आ गया। कहने का मतलब एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻¹⁰ मीटर होता है। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.229 एंगस्ट्रॉम हमारी जिस इलेक्ट्रॉन से संबंध क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। हम जो यह 2015 क्वेश्चन पूछा गया था, हम और देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है जो सेम वही वैसे ही है, हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या दे दी है 1.4 फर्मी है, तो 16O8 ऑक्सीजन नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी कितनी होगी। फॉर्मूला तो जानते हैं, नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर में आर जीरो ए वाई थ्री, जहाँ आर रेडियस होती है, ए द्रव्यमान संख्या होती है। तो हाइड्रोजन नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 1, और हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या कितनी, आर बराबर 1.4 फर्मी, मतलब एक फर्मी बराबर 10⁻¹⁵ मीटर होता है, लिख भी दिया। तो आर बराबर ने फॉर्मूला लगा दिया तो R की वैल्यू रख दी, आर जीरो का मान निकल आएगा, A का मान 1 था, तो आर जीरो की मान कितनी आ गई, 1.4 फर्मी। ऐसे में ऐसा भी लिख सकते हैं 1.4×10⁻¹⁵ मीटर, लेकिन हम फर्मी के रूप में लिख दिया। अब पूछा था ऑक्सीजन परमाणु की, तो ऑक्सीजन परमाणु की कितनी होगी, अब R बराबर आर जीरो ए बाई थ्री लगा दिया, आर जीरो का मान हमें पहले से पता है, ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है जो ऊपर लिखी होती है, ठीक। तो क्या है, A का मान 16 है, बस मान रख दिया R बराबर 1.4×16 1/3 कैलकुलेट कर लिया तो 3.528 फर्मी। अगर फर्मी में आप मीटर के रूप में लिखना चाहते हैं तो एक फर्मी बराबर 10⁻¹⁵ मीटर होता है, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा होगा, गुणा कर दिया तो R का मान आ गया 3.528×10⁻¹⁵ मीटर, या जे भी सही है, जे भी सही। इसी प्रकार ऑक्सीजन का नहीं, अन्य नाभिक का भी पूछ सकता है, तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। नाभिक की त्रिज्या का आप फॉर्मूला लगाइए R बराबर आर जीरो ए वाई थ्री। और क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, स्थायी अवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2019 में आने के चांस भी है। स्थायी अवस्था के लिए जो तरंग फलन साई एक्स का मान है वो एन एक्सपोनेंशियल -x²/2 को प्रसामान्यीकृत की, मतलब नॉर्मलाइजेशन करना है। तो हमें सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन याद होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है, माइनस एन से प्लस एन साई कंजुगेट साई डी एक्स बराबर 1, ठीक। तो ये हमारा साई का मान दे दिया है एन एक्सपोनेंशियल -x²/2,
इसका जो कंजुगेट निकालेंगे, मतलब रियल नंबर का कंजुगेट रियल होता है तो उसी मतलब फलन का कंजुगेट वही आएगा। तो समीकरण एक में इस साई का मान रख देंगे, इस साई स्टार का मान रख देंगे, मतलब साई कंजुगेट का मान रख देंगे, दोनों का मान रख देंगे, कोई प्रॉब्लम। एन 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 का एन का मल्टीपल होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा है एक्सपोनेंशियल माइनस एस स्क्वायर बटी टू, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बटी टू, दोनों को जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा। इसका मान आप चाहे याद रख सकते हैं, माइनस एन से प्लस एन, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स समान रूट पाई होता। आप सीधी मान रखेंगे तो हमारी वैल्यू एन एन स्क्वायर बराबर वन बटे रूट पाई, तो एन की वैल्यू वन बटे पाई की पावर एक बटे चार। तो पैसा कहने मतलब पर सामान्यकृत फलन निकालना तो हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हमारा एन की वैल्यू निकल के आ गई, एन का मान हमने अगर रख देंगे तो हमारा पर सामान्यकरण जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है वो निकल के आ जाएगा। अगर आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो आप मान भी निकाल सकते हैं, मैंने बगल में वो भी कर दिया है। बीटा गामा फंक्शन से लगेगा माइनस एन से प्लस एन और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को डी एच डेफिने इंटीग्रल लगा दिया तो टू आगे आ जाएगा जीरो से एन। तो इसमें हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, इस प्रकार से उसकी लिमिट को भी चेंज कर दिया तो जीरो से एन ई टू की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी जी ऊपर आएगा तो टी की पावर माइनस एक बटे दो होगा। हमने इसे गामा फंक्शन के रूप का बना लिया है, जीरो से एन एक्सपोनेंशियल माइनस टी टी की पावर एक बटे दो माइनस एन। जो गामा फंक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है, जीरो से एन एक्सपोनेंशियल माइनस का एक्स, ठीक है, और एक्स एन माइनस का वन, जो बराबर में होता है गामा एन। तो एन एन का क्या है इधर मान एक बटे दो, तो गामा गामा एक बटी दो का मान होता है रूट पाई। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट रख दिया था, आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा परिसामान्यीकृत आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा 2019 के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि और हम आगे अभी आपको सेकंड पेपर थर्ड पेपर की सभी सवाल सॉल्व कराएंगे, और हम अभी आपको तीनों पेपर के गेस्ट पेपर भी लेकर आने वाले हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी गेस्ट पेपर जो भी झांसी में उससे जो दावा करता हूँ कि 95% उसके अंदर ही आएगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द गैस पेपर के साथ।